दोस्तों काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर जो फॉरेस्ट गार्ड की एग्जाम डेट कदों आएगी। देखो सितंबर दे लास्ट तक जी एग्जाम डेट आ जाएगी तो काफ़ी बच्चे डीमोटिवेट हो रहे हैं, मतलब कि कंफ्यूज ने तैयारी किवें करिए, साढ़े को स्टडी मटीरियल है नहीं, बुक है नहीं। देखो बुक का लिंक भी मैं तुम्हें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिता, चाहो तो वह बुक तुम बाय कर सकते हो, सारा ही सिलेबस उस बच्चे कवर है। बट जो तुम बुक नहीं बाय कर सकते तो सिंपल जहा तरीका है, देखो ये सिलेबस है थोड़े सामने, है ना, जूम कर लेने आप, यह सिलेबस है थोड़े सामने। सिंपल जहा तरीका है, ये टॉपिक वाइज सर्चा करनी स्टार्ट करो, यूट्यूब से गूगल से जितने मर्जी सर्चा स्टार्ट करो, इन्फॉर्मेशन कलैक्ट करो। सिंपल जी गल एग्जाम्पल के तौर पर आप एक कर लेना साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये एक टॉपिक है जिसों काफ़ी क्वेश्चन बन गए एग्जाम, यूट्यूब पर जाओ सिंपल इतने सर्च करो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये लो कि क्लासेस आ गई, कि जेडी भी तुम चाहते हो सीधा सर्च कर लो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, हुण देखो जिन्नी भी तुहानूं पहले आह शो हो रहे ने नाल जां एमसीक्यू, तुसीं एमसीक्यू क्लास पा सकदे हो, एमसीक्यू क्लास इत्थे फिल कर लिया ते सर्च कर लिया। हुण देखो जिन्नी भी क्लासेस आ गई सारियां देख दो, देखो ते राइट डाउन करो। सर्च करन तो बाद जिहड़ी भी तुहानूं क्लास दिंदियां ने इस पहले पेज विच जिन्नियां भी क्लासां आ गईआं ना सारे एमसीक्यू राइट डाउन कर लो। जे साइंस एंड टेक्नोलॉजी तुसीं 300 साढ़े 300 क्वेश्चन कॉपी ते लिख के फिर कवर कर लोगे तां कोई भी क्वेश्चन उन्हां 350 क्वेश्चनों तो बाहर नहीं जाएगा। ओके तुसीं इह वीडियोज़ देखोगे, है ना, वीडियोज़ देखोगे तो आप डबल वारी की रिमैंबर करेंगे, दो बार याद हो जाएगा। पहले तो आप वीडियो में पढ़ा, क्वेश्चन जोड़ा भी पुट होगा, है ना, उसमें आप पढ़ा, फिर आपको क्वेश्चन उतें ही समझ से आ जाएगा, फिर आप लिखा, है ना, तो दो बार ऑलरेडी अपनी तैयारी हो जाएगी। जो ये 300 साढ़े 300 क्वेश्चन कवर कर ले लिख ले, उस बाद सैकेंड ऑप्शन चक लो, मतलब सैकेंड टॉपिक चक लो, इकनोमिक इशू, स्पोर्ट्स, सिनेमा, लिटरेचर, जो भी तुम्हें ईजी लगे, है ना, सर्च कर लो तो सारा कुछ राइट डाउन कर लो। इस तरह तैयारी होंगी दोस्तों, लिखते रहो, जिन्ना लिखोगे उन्नी ही वधिया तैयारी होगी। इस तो बाद कई बच्चों को की प्रॉब्लम आ रही है, रीजनिंग ते मैथ कितों करिए असीं, ठीक है, रीजनिंग ते मैथ की यार। हुण देखो मेरे को जे बोर्ड ते चंगा जा कैमरा हुंदा तां मेरा बहुत जी करता मैं लाइव क्लासेस तुहानूं प्रोवाइड करावां, है ना, पर थोड़ा जा गरीब यूट्यूबर है मैं, है ना, ज़्यादा अर्निंग नहीं हुंदी यूट्यूब तो, तां करके मैं जे कैमरा ते जो बोर्ड वगैरह है ना ये अफोर्ड नहीं कर सकता। तां हुण मेरा पूरा मन करता वैसे भी हाँ तुहानूं क्लासेस प्रोवाइड करवावां लाइव मैथ दी ते रीजनिंग दीआं, बट करना की इस बारे भी तुसी की करना है। देखो पहला की इत्थे बेसिक न्यूमेरिकल स्किल मैथ का जिहड़ा फर्स्ट ये है टॉपिक है, ठीक है, सर्च कर लो इजी, कल सर्च भी तुहानूं करके दिखा देना मैं। ओके ते क्लासेस देखो न्यूमेरिकल इजीली सर्च किया, पहला ही जिहड़ा ब्रीफली होगा इत्थे एबिलिटी का आला आ गया तुहाडे सामने, ठीक है, देख लो वीडियो हिंदी में होगी इंग्लिश में होगी, समझ तो आपको आता ही है ना, पंजाबी कन्वर्ट करके आप लिख लो। सारी ही मतलब कि बेसिक क्लासेस ने शुरू तो है बिगनिंग ली है जी, सारा कुछ यूट्यूब पे है। इसी तरह आप सारे परसेंटेज नंबर सिस्टम की सारी क्लासेस आपको ऑलरेडी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, तो इसलिए सर्च करो, क्यों फालतू पैसा वेस्ट करना, है ना। तो इस अलावा इंग्लिश ग्रामर का भी बहुत कुछ है, देखो इन्ना कन्फ्यूज ना हो, मैथ मैथ जो औखा लगता है, मैथ रीजनिंग औखी लगती है, तुम इस बच्चों की है 20 क्वेश्चन कवर कर लो, मतलब मेन मेन टॉपिक, परसेंटेज सब तो ईजी है, नंबर सिस्टम सब तो ईजी है, एलसीएम एससीएफ सब तो ईजी है, इस तो अलावा नंबर सीरीज ईजी है ना, तो एक दो टॉपिक होर ने प्रॉफिट लॉस, कई ईजी लगता कई नहीं लगता, तो इस तरह के ईजी ईजी क्वेश्चन टॉपिक ने जो कवर कर लो, ज़्यादा तो ज़्यादा 18 नंबर भी इस कवरअप कर दौ, तुम 18 नंबर का पेपर कवरअप कर दौ तो बहुत वधिया गल है, मतलब कि ज़्यादा ही मतलब कि आप एग्जाम सर्वाइव करने योग्य हो जावे। अभी तो देखो आप बचपन तो ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट जिस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक क्लास तुम्हें प्रोवाइड करवाई से जिस पंजाबी अखाण के मुहावरे कवर ने, वो 100 जोड़े पंजाबी अखाण के मुहावरे ने, उन्होंने ही जोड़ा भी एग्जाम बनना होगा उन्होंने ही बनेगा, वह जाके विजिट कर लो, अगे कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। कंप्यूटर की एनी हेल्पफुल क्लासेस मैं तुम्हें प्रोवाइड करवाई है, तो काफ़ी बच्चों ने पीडीएफ फाइल भी बाय की है, जिहड़े भी सीरियस ने बच्चे एग्जाम के लिए उन्होंने पीडीएफ फाइल भी बाय की है, जो तुम भी बाय करना चाहो तो सिर्फ 44 रुपीज़ में इंस्टाग्राम से मैं फॉलो करके मैसेज कर दो, ठीक है। इस अलावा पंजाब कल्चर बारे भी काफ़ी मैं आल क्लासेस ही लगभग कवर हो चुकी है, भगती मूवमेंट, सूफीज़म, सिख गुरु हिस्टरी, ठीक है, इस तो अलावा होर कि है एशियंट हिस्टरी, तो बाकी जो टॉपिक रह गए वो भी आप कवर कर लेंगे, कोई गल नहीं है, तो लगभग सूफीज़म सारे ही यह कवर हो चुके हैं।
कोई ज़्यादा मतलब कि हुआ बनाने वाली गल नहीं है, डरने वाली गल नहीं है। टॉपिक वाइज सर्चा करनी स्टार्ट करो, तो कम 10 क्लासेस भी तुम यूट्यूब तो फ्री ऑफ कॉस्ट देखते हो तो राइट डाउन करते हो, उस बिचों ही तुम्हें सारा समझ आ जाएगा भी किस टाइप का क्वेश्चन है तो एग्जाम किस टाइप के बनेंगे। हुण मैनूं वीडियो में कमेंट करके दस दो कि जो हुण गल तुहानूं समझ आई है वह समझ च आ गई, तो ओके सर लिख के कमेंट जरूर कर देना।